नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान। मैंने पहले भी कई बार अपनी सोलर पंप की वीडियोस डाली हैं, आज फिर से एक वीडियो डालने जा रहा हूं। तो देखिए, आज एक मैंने नई साइट चलाई है सोलर पंप की। ये 300 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं, देख लीजिए। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ वैसा ही है। और आज एक नया पंप मैंने लगाया, देखो पेटी पैक खोला है अभी और ये इधर चल रहा है। ये देखिए, हर बार की तरह मैंने बताया है, ये रहा इसका कंट्रोलर, ये रहा पंप और ये रहा बोरवेल। ये देखिए, बोरवेल में यहाँ लगा हुआ है और ये आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितना कैसा परफॉर्मेंस है इसका, आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये इसके ऊपर 2.5 इंची का पाइप लगा हुआ है, 2 या 2.5 इंची का, और आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इसका। क्योंकि यार धूप काफ़ी अच्छी है, तो जितनी अच्छी धूप होती है ये उतना ही अच्छा चलता है। तो किसान भाइयों, मैंने पहले भी कई बार बताया है और कई सारे लोगों ने पूछा है कि भैया इसकी कीमत कितनी है, तो कीमत मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसकी जो कीमत है, अगर आप सब्सिडी के माध्यम से लगाते हैं, आपकी सरकार की तरफ से योजना निकली हुई है तो आपको ब्लॉक से मिलता है, तो उसमें आपको 70 या 80% सब्सिडी मिल जाती है। बाकी पैसा आपको ड्राफ्ट बनाकर तहसील में अपने कृषि विभाग के नाम से जमा करना होता है और आपको सोलर पंप मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप बाहर से अगर इसको लगाते हैं नगद में, तो नगद में जो इसका कॉस्ट पड़ता है आपको लगाने का, वो पड़ता है लगभग 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख तक जा सकता है, 1.5 लाख तक भी जा सकता है। वो आपकी लोकेशन के हिसाब से है कि आप कैसी लोकेशन में इसको लगवाना चाहते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, इसका जो काम करने की क्षमता है वो 50 से 60 फिट तक है अधिकतम। और अभी ये जहाँ पर चल रहा है, तो अभी ये कितने फिट पर चल रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर वाटर लेवल 25 से 40 फुट तक है, तो मान लीजिए 30 फुट से ऊपर चल रहा है अभी। और आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितना पानी दे रहा है ये, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो उस बार थोड़ी धूप कुछ कम थी, इस बार मैंने ये नया पंप चलाया। देखिए, पेटी पैक, ये इसी पेटी में पैक आता है। ये रहा रोटोसोल का पंप इसका 2HP का, और ये रहा इसका कंट्रोलर रोटोसोल कंपनी का 2HP का, और ये रहा बोरवेल। तो किसान भाइयों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे किसान भाइयों ने ये कमेंट किया है हमारी पिछली वीडियो पे कि आप जहाँ से पानी लेते हो वही गिराते हो। तो देखिए, आज बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले भी मैंने कई बार वीडियो डाली हुई है इस तरह की कि जिसमें मैंने पानी जहाँ से लिया है वहीं डाला है, क्योंकि वो ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी, कोई और रास्ता नहीं था, तो वहीं से हम अपने खेत में चलाते थे। आज हमने दूसरी तरफ को पानी चलाया हुआ है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये रहा बोरवेल, ये यहाँ से पानी आ रहा है, और देखो ये रहा इसका हमारे दूसरे खेत में जा रहा है इधर पानी, आप देख सकते हैं ये जा रहा है इधर हमारे खेत में पानी। ये देखिए, इसमें कहीं पानी नहीं आ रहा है किसी तरफ से भी, ये इसमें बोरवेल है, बोरवेल पर ये चल रहा है। और देखिए, आप देख सकते हैं आप सभी कितना अच्छा वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये रहा पानी, ये जा रहा है इसका पानी, ये देख सकते हैं आप, ये सीधे हमारे खेत में जा रहा है। इधर गन्ने की भरत सिंचाई चल रही है, गन्ने में हमारा पानी जा रहा है। दूसरी चीज़, मैंने पहले भी बताया कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तो कई बार बता चुका हूँ, फिर बताए क्लियर कर देता हूँ कि दो दो पैनल की हम आपस में सीरीज बना लेते हैं, फिर उनका जो एक प्लस माइनस बचा, इसी प्रकार उन दोनों की बना लेंगे, उनका एक प्लस माइनस बचा, इसी प्रकार उन दोनों की बना लेंगे, फिर एक प्लस माइनस उसका भी एक प्लस, तीनों का प्लस प्लस एक जगह ला के जोड़ देंगे, ये रहा, और इसी तरह से तीनों का माइनस जोड़ देंगे, ये रहा। अब प्लस माइनस जोड़ करके हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोलर में ले जाते हैं अपने। ये देखो, ये वायर जा रहा है हमारा, ये हमने लगा दिया कंट्रोलर में इधर, ठीक है। तो कंट्रोलर का देखिए, इनपुट ये रहा ऊपर वाला और नीचे रहा इसका आउटपुट, आउटपुट कहाँ जा रहा है, ये मोटर में जा रहा है। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये बिना कंट्रोलर के भी काम करता है, क्योंकि ये DC पंप है, हमारा पैनल भी DC करंट निकालता है और ये भी DC पंप है, तो ये बिना कंट्रोलर के भी काम करता है, काम करता रहता है कंटिन्यू। कंट्रोलर इसलिए होता है, मैंने पहले भी बताया है, कि वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, अगर करंट ज़्यादा है तो वो अपने आप रोक लेता है, पंप हमारा सूखा ना चले, अगर पानी छोड़ जाता है किसी कारणवश पंप, तो ये कंट्रोलर क्या होता है, उसको बंद कर देता है ऑटोमेटिक, खाली नहीं, ड्राई नहीं चलने देता है पंप को। तो किसान भाइयों, पहले भी कई बार बताया है और आज फिर से बता दिया, लेकिन एक सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी किसान भाई हमारी इस वीडियो को देखें, वो कृपया करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को सुझाव दें कि भैया आप भी सोलर पंप लगवा लीजिए। और आप देख सकते हैं इसका फोर्स, देखिए पानी का, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा पानी दे रहा है। इसकी जो सिंचाई की कैपेसिटी है दिन भर में, वो 5 से 6 बीघे तक है।
अगर धूप ठीक ठाक रहती है, मौसम ठीक रहता है, तो ये दिन भर में 5 से 6 बीघे जमीन आपकी भर देता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप यहाँ देख ही रहे हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है किसान भाइयों। अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं क्या समस्या है आपकी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हाँ पहले से अब ठीक हो गया। आप देख सकते हैं किसान भाइयों इसका परफॉर्मेंस। और दूसरी चीज ये है, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको कि सब्सिडी से कैसे लगता है और नगद में कैसे लगता है। किसान भाइयों अगर किसी को भी ये लगवाना हो तो हमने अपनी पिछली वीडियो में नंबर दे दिए हैं अपने, कृपया करके हमसे कॉल करें, हम लगा भी देते हैं। और अगर कोई मदद चाहिए होती है लगवाने के बारे में कि कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या करना है, कैसे इसको चलाते हैं, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। हमारे नंबर पर आपका कॉल कर सकते हैं, दिन के 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे कि हाँ ये कैसे चलता है, कितना अच्छा काम करता है, कैसे क्या। और एक चीज़ और बात कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, देखिए आप YouTube पर देखेंगे आपको बहुत सारे सोलर पंप के वीडियोज मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितना अच्छा परफॉर्मेंस रोटोसोल 2HP मोनो ब्लॉक वाटर पंप का है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि जितने भी बाकी और सोलर पंप चल रहे हैं उसमें से किसी का नहीं देखा मैंने आज तक। आप भी देख सकते हैं, सारी वीडियोस देखना, कंपेयर करना हमारे वीडियो के वाटर डिस्चार्ज की और दूसरी वीडियो में कितना वाटर डिस्चार्ज है पंप का, आप तुलना करना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैनल नहीं लगा हुआ, 300 वाट के सिर्फ 6 पैनल लगे हुए हैं। 6 पैनल में आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितना अच्छा है, ये देखिए। दूसरी चीज, आप बाकी जितने भी वीडियोस देखेंगे उनमें कोई एसी पंप मिलेगा, कोई सबमर्सिबल मिलेगा, विभिन्न प्रकार के आपको पंप मिलेंगे सोलर पंप, लेकिन इतना अच्छा डिस्चार्ज और परफॉर्मेंस आपको किसी पंप का देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जितने भी रोटोसोल के देखेंगे, हमारी वीडियो नहीं और भी देखेंगे, तो रोटोसोल के सारे पंप बहुत अच्छे काम करते हैं। उसका एक मेन रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है, क्योंकि देखिए ये हमारा डीसी पंप है, डायरेक्ट करंट से चलने वाला है। एक होता है एसी पंप यानी अल्टरनेट करंट से चलने वाला। अगर हम सोलर पैनल से एसी पंप चलाते हैं तो सबसे पहले हमको एक ड्राइव लगानी पड़ती है, एसी होती है, क्योंकि ये तो डीसी ड्राइव है, ये तो खाली मोटर का स्टार्टर है वोल्टेज मेंटेन कर, लेकिन एक ऐसी ही ड्राइव आती है जो हमारे डीसी वोल्ट को एसी में कन्वर्ट करती है। अब होता क्या है किसान भाइयों के, जब डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है तो हमारी 10 से 20% एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने में। कारण वही आता है कि जब 20% करंट हमारा लॉस हो गया तो 80% क्या करंट बचा हमारा, पंप में जाएगा। कुछ एनर्जी लॉस हमारे पंप तक जाने में वायर में ऐसे भी होती है, 2-4% की एनर्जी लॉस, लेकिन डीसी पंप में क्या है, डीसी पंप में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। जितना भी होगा, अगर मान लो वायर आपने ज़्यादा लंबा लगाया है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका लॉस हो जाए करंट का, डीसी करंट में कोई लॉस नहीं होता। अगर डीसी मोटर चलाते हो आप, डायरेक्ट चलाओगे, अगर आपने मान लीजिए 25 एम्पियर पंप को दिए हैं तो 25 के 25 में यानी कि आपके 24-24.5 एम्पियर आपके पंप तक पहुंचते हैं और उसका डिस्चार्ज आप देख सकते हैं फिर कैसा रहता है। दूसरी चीज़ ये है, एसी पंप लगाते हैं तो उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं रहता है। एक चीज़ और है किसान भाइयों, डीसी पंप का फायदा मैं बता देता हूँ आपको, सबसे बड़ा मेन फायदा क्या है कि डीसी पंप का मेन फायदा ये है कि जब आप इसे चलाते हैं तो इसमें आपको करंट लगने का कोई भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि ये डीसी करंट है, डीसी करंट कभी भी शॉक नहीं मारता है, अगर मारता है तो बहुत हल्का फुल्का शॉक मारता है। अगर आप इसी को एसी पंप चलाते हैं सोलर पैनल के माध्यम से तो डीसी से एसी कन्वर्ट करेंगे, वो 3-फेज पंप आता है, उसका जो करंट होता है आउटपुट वो 400 से 450 वोल्ट होता है 3-फेज। अगर उसमें शॉक लग जाए तो उसमें रिस्क का भी खतरा रहता है, जान भी जा सकती है, लेकिन करंट वो उसमें लगने का खतरा रहता है अगर पूरी सावधानी ना बरती जाए तब। हालांकि हम सावधानी बरतते हैं, बताया भी जाता है कि पूरी सावधानी बरतनी है, लेकिन इसमें क्या है कि बाय द वे अगर आप इसका नंगा वायर भी हाथ से छू लेंगे तो आपको कोई खतरा करंट लगने का इसमें नहीं रहता है। देखिए जैसे कि ये चल रहा है, आप सीधे इसको हाथ से अगर टच कर लेंगे बाय द वे, कोई बच्चा है नहाने के लिए आता है पानी पीने के लिए, बुजुर्ग कोई बड़ा, आप पानी लगा रहे हैं, मान लीजिए पैर तार
तार पे पैर लग, देखिए ये हमारा वायर है, ये हमारा प्लस वाला वायर है। अब मैं इसको हाथ से छू रहा हूँ, देखिए ये कोई करंट नहीं मारता। ये माइनस वाला है, ये कोई करंट नहीं मारता है, देखिए। यही फायदा है डीसी पंप में, क्योंकि ये शॉक प्रूफ होता है, कभी करंट नहीं मारता। और एसी पंप में करंट का भी रिस्क रहता है, करंट लगने का। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी मैंने दे दी आपको। आपको कोई भी सोलर पंप से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि हाँ जी कैसे कैसे लगता है, क्या होता है, मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। देखिए सरकार के माध्यम से ये तीन तरह के लगते हैं। एक जो 2 HP का ये मोनोब्लॉक लगता है, एक 3 HP का सबमर्सिबल लगता है, एक 5 HP का सबमर्सिबल लगता है। सबमर्सिबल का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रहता। अगर आपके यहाँ पर वाटर लेवल 50 फुट से नीचे है तो आप सबमर्सिबल में, आप सोलर पंप सबमर्सिबल ना लगवाएं। बेटर हो कि आप सरफेस ही लगवा लें, 2 HP ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहता है। अगर आप सबमर्सिबल लगवाते हैं उसकी गहराई बढ़ जाती है, 80 से 120 फीट 200 फीट 250 फीट हो सकती है, तो उतने नीचे करंट जाने में, फिर पानी आने में उसका डिस्चार्ज इससे आधा हो जाता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा फायदा मैं आपको सोलर पंप चलाने का बता देता हूँ, डीसी वाला कैसे चलाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले। देखिए किसान भाइयों, इसकी आप दूरी जो है मोटर से पैनल की दूरी, वो आप 10 मीटर से ज़्यादा ना रखें। 10 रखें, 12 रखें, 15 रखें, बस कोशिश करें कि 10 मीटर से नीचे नीचे ही मोटर और पंप के बीच की दूरी रहे। जितनी दूरी कम होगी उतना ही अधिक क्या होगा, परफॉर्मेंस हमारे पंप का होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट हमारे पंप को मिलेगा उतना ही अच्छा ये वर्क करेगा। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी दे दी मैंने A to Z आपको। कोई भी आपकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में, नंबर बता दिए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और बाकी आप पैनल 25 साल चलते हैं, 25 में अगर 20 साल भी चलते हैं, 15 साल भी चलेंगे तो आपका पैसा वसूल है। आप समझ सकते हैं कि आप कितनी भी बड़ी खेती इसके माध्यम से अपनी पाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, सब कुछ बता दिया मैंने। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें बताएं। देखिए आज ये बिल्कुल नया पेटी पैक पंप है और इसी प्रकार के चलते रहते हैं। किसी किसान भाई को लेना हो, लगवाना हो, पूरी मदद की जाएगी। हमारे माध्यम से लगवाएं, हम लगवा सकते हैं। अगर खुद से लगवाना चाहते हैं तो पूरी जानकारी देंगे कि कैसे लगेगा, कहाँ मिलेगा, क्या क्या होता है, कितना खर्च आता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहें हमारे चैनल पर इसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये देखिए किसान भाइयों, रोटोसोल 2 HP सोलर वाटर पंप का डिस्चार्ज है, ये देख सकते हैं आप। रोटोसोल सोलर वाटर पंप 2 HP मोनोब्लॉक, पहले भी जानकारी दे चुका हूँ इसकी मैं कि कितनी पावर लगानी पड़ती है, कैसे चलता है सारा कुछ। बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप, पास से देख लीजिए कितना अच्छा डिस्चार्ज, इतने कम सोलर पैनल में, 300 वाट के मात्र 6 पैनल हैं, इतना अच्छा डिस्चार्ज आप देख सकते हैं। कैसा डिस्चार्ज है इसका, शायद ही किसी पंप का इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो, इतना अच्छा इसका है। आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस, थोड़ा ये धूप घट बढ़ रही है तो डिस्चार्ज घटता बढ़ता रह रहा है इसका, बाकी आप देख सकते हैं।